हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब लोग देखेंगे क्या ये वही पर्सन है जो आपके लिए बनाया हुआ है। बहुत बार हमारे मन में ऐसे सवाल आता है ना कि हम जिसके साथ लाइफ गुजारने की इच्छा रखते हैं, बट क्या ये वही सोलमेट है या नहीं। ठीक है कि मतलब इज दैट पर्सन इज द वन जिसके साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी है या फिर ये हमारा प्यार है, तो ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, टैरोट कार्ड ट्रेडिंग रिगार्डिंग वीडियोज लाती हूँ, जिन्हें मैं डेली बेसिस पे पोस्ट करती हूँ। और आप सारे लोगों का सो मच मतलब शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोग मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और सराहाते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं डेली ऐसे ही वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो बिना किसी देरी के आज की रीडिंग ये शुरू करते हैं। आपके अगर कोई लव इंटरेस्ट हो गया, पार्टनर हो गया, और आपको पता करना है क्या ये सही पर्सन है आपके लिए या फिर ये आपका जीवन साथी है, लव इंटरेस्ट है, सोलमेट है, तो उस पर्सन का आप चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, उनके आप फोटो देख सकते हो या उनके नाम का चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है, इन कार्ड्स के ऊपर फोकस करते समय अभी मैं इन कार्ड्स को शफल कर रही हूं, अभी हम डिवाइन से गाइडेंस मांगेंगे। ठीक है, डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए और बताइए कि ये क्या वही पर्सन है जो हमारे सोलमेट बनेंगे, क्या ये वही पर्सन है जो हमारा प्यार है, जिनके साथ हमें जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवाइन पहला कार्ड क्या देते हैं। ओ माय गॉड, सच ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है दोस्तों, तो मतलब सबसे पहला कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल और पॉजिटिव आया है, सेकंड कार्ड इज ऑल्सो ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। दोनों कार्ड्स में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड खुशियाँ भरी हुई है। ठीक है, दिस इज अ टेन ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं और तीन कार्ड निकालती हूँ और उसके बाद मतलब हमारी इन डिटेल रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ओ सो स्वीट, दिस इज अनदर कार्ड विच इज अ फोर ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड इज अ क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्या बात है, अभी हमारा लास्ट कार्ड आएगा दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो दिस कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स। चलिए मैं अभी यहाँ पे रख देती हूँ इन कार्ड्स को, अभी हम डिटेल रीडिंग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपकी जो भी लव इंटरेस्ट है या फिर जिन किसी पर्सन को दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, ये जो सिग्नल है ना, रीडिंग सिग्नल, दैट इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल। जो हमारी फर्स्ट कार्ड की लेयर है, दैट इज़ द पॉजिटिव सिग्नल। आपके जो पार्टनर है वो आपको मतलब अभी देखिए, हर किसी के रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस होती है, सही है, तो अभी हम उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको समझेगा कि ये पर्सन है आपकी एक्सपेक्टेशंस किस हद तक फुलफिल कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं और आपको कितनी खुशियाँ देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप खुद अपना समझ जाइएगा कि ये आपके लिए सही है या नहीं सही है। वैसे मैं भी बताऊंगी, बट आप खुद भी रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड कार्ड, दोस टू आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जो वो बता रहे हैं कि ये फैमिली और खुशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर आप इस पर्सन के साथ जिंदगी गुजार चाहते हो तो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं लग्जरी। आपकी लाइफ बहुत लाविश होगी, बहुत लग्जूरियस होगी इनके साथ, और वो आपकी सारी खुशियां पूरी करेंगे, आपकी छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा रहता है ना कि कोई बात बिना बोले ही पता चल जाती है और कुछ बातों को बताना पड़ता है, तो ये एक ऐसे पर्सन है जो बिना बोले आपकी बात समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेस्ट ऑफ द थ्री कार्ड्स, विच इज़ अ फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड देन फाइव ऑफ कप्स। तो ये जो सारे कार्ड हैं ना दोस्तों, ये बता रहे हैं कि जिंदगी के किसी भी स्टेज में जाके अगर आप खुद को लोनली महसूस करते हो तो आपके पार्टनर हमेशा आपको सपोर्ट करोगे। ठीक है, पहले मैंने खुशियों की बात करी कि वो जिंदगी में हर एक खुशी के मौके पर आपके पास रहेंगे, आपको खुशियाँ देने का मैक्सिमम लेवल तक वो ट्राई करेंगे। ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा एकदम। उसके बाद जिंदगी के हर एक तो मुकाम ऐसा नहीं होता ना कि हम हमेशा हंसी खुशी रहे, देयर आर चांसेस कभी निगेटिविटी हमें घेर लेती है, हम निगेटिव बन जाते हैं या फिर मतलब मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उस समय
वो पार्टनर आपके लिए इनविजिबली अवेलेबल रहेगा, जैसे खुशियों में वो आपके सामने मतलब डायरेक्टली रहेंगे, बट जब आपके पास नाकामयाबी होगी या फिर मतलब आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आप लोनली होगे, वो टाइम पे वो आपके पास रहेंगे इनविजिबल रूप से। अभी इनविजिबल रूप से मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हो किसी एक सिटी में, आपके पार्टनर है दूसरे सिटी में किसी काम की वजह से, वह आपको मतलब दिलासा देने के लिए फोन कॉल्स करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, बट दे आर नॉट फिजिकली इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, वो फिजिकली आपके सामने नहीं है। आई होप मैं अभी एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ तो आपको समझ जाए कि मतलब वो कहीं ना कहीं से आप आके आपको सपोर्ट करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा आपके लिए फिजिकल प्रेजेंट रहेंगे। और जब भी खुशियों का का होगा ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे और आपकी जिंदगी में हमेशा छोटी छोटी खुशियां ऐड करते रहेंगे। तो मतलब मोर ओवर ये पॉजिटिव साइन है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, ठीक है। अभी मैं एक बार नया डेक शफल कर लेती हूँ, एंजल्स को पूछ लेते हैं कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है, इज ही इज द वन और शी इज द वन, चेक करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है। दो कार्ड आए हैं, क्या बात है। फर्स्ट कार्ड इज अ थ्री ऑफ फायर व्हिच टॉक्स अबाउट गोल एक्सप्रेशन एंड विजन, एंड सेकंड कार्ड आया है फोर ऑफ वाटर व्हिच टॉक्स अबाउट डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ अब्सॉर्प्शन एंड डिसकंटेंटमेंट, ठीक है। मैं और तीन कार्ड निकालती हूँ। सो दीज कार्ड्स आर ऑल्सो न्यूट्रल कार्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे भी फोर ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे भी फोर ऑफ वाटर्स आया है, सारी चीज़ें घूम फिर के एक ही बात आपको बता रही है कि मतलब आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं उस टाइम बिजी रहेंगे जब आपको उनकी ज़रूरत होगी। वो आपको ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपको पास रहेंगे। अगेन आया है टू ऑफ वाटर, पार्टनरशिप कमिटमेंट एंड रिकन्सिलिएशन, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड तो रहेंगे, बट जैसे मैंने बोला था खुशियों में डेडिकेटेड रहेंगे, हमेशा आपके पास रहेंगे, छोटी छोटी खुशियां आपकी ज़िंदगी में ऐड करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होगी जिन्हें बिना बोले वो समझ जाएंगे, बट जब आपको उनकी ज़रूरत होगी, एज आई सेड नाइन ऑफ एयर अगेन आया है, वो टॉक्स अबाउट वरी एंड स्लीपलेसनेस, मतलब जैसे फोर्थ जैसे ऊपर के लाइन में हमारा फिफ्थ कार्ड आया था, आप लोनली रहोगे, परेशान रहोगे, दैट टाइम आपके पार्टनर इनविजिबल रूप से आपके सामने रहेंगे या आपको गाइड करेंगे, नॉट नेसेसरी कि वो आपको सपोर्ट करे सामने होते ही, ठीक है। उसके बाद आया है हर्मेट, विच टॉक्स अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी एंड मेंटरशिप। तो अभी आपको आपका डिसीजन लेना है, यहाँ पे सिचुएशन है फॉर एग्जांपल 60-40, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी है ऊपर से, बट अभी आपके मन को आपको तैयार करना है कि आप कितने तक लेवल तक एडजस्ट कर सकते हो, या आपको कितने मैक्सिमम लेवल तक खुशियाँ चाहिए, इट इज़ डिपेंड ऑन यू। उस पर्सन में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि हर पर्सन की अपनी अपनी लाइफ होती है, तो 2400 घंटे कोई किसी के साथ बंधा नहीं रह सकता अच्छे और बुरे सिचुएशन में, राइट, जिंदगी चलती रहती है। उसी प्रकार अभी आपके हाथ में है कि आपको इस पर्सन को कैसे लेना है। इस पर्सन में कोई भी बुराई नहीं है, ये आपका हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, हमेशा आपको प्यार ही देना चाहते हैं, ठीक है, हमेशा आपको प्यार करने के लिए वो हाजिर रहेंगे, आपकी खुशियों के मौकों पे हासिल रहेंगे, बट ज़िंदगी में जब आपके थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ जाएगा, थोड़ा सा उतार आ जाएगा, थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी आपको नीचे की तरफ लेके जाएगी, तब आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है उनके प्रेजेंस को लेके, ठीक है। अभी मैं हमारा लास्ट डेक शफल कर रही हूँ आपका, आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि ये पर्सन मतलब आपके लिए कैसे रहेंगे, ठीक है। मैं अभी और एक कार्ड शफल करती हूँ, डेक शफल करती हूँ, देखते हैं लास्ट डेक से क्या निकल के आता है हमारे लिए, ठीक है। अगेन द सेम कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने आपको बोला, डबल डबल कार्ड्स गाइज आ रहे हैं जो हमें बार बार सिचुएशन रेफर करने के लिए बोल रहे हैं। पहले आया था फोर ऑफ कप्स, उसके बाद आया है अगेन फोर ऑफ वाटर, विच इज अगेन फोर ऑफ कप्स, उसके बाद आया था सेकेंड कार्ड आया था टेन ऑफ पेंटिकल्स, अभी थर्ड रो में फिर से आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो वो पर्सन आपको खुशियाँ देने के लिए कोई भी कमी नहीं रखेंगे, मतलब जब वो पर्सन आपके साथ रहेगा और खुशी आपके पास रहेगी ना, आपको लगेगा आपके जितना खुशकिस्मत कोई नहीं है, आप सातवें आसमान पे हो, इतनी खुशियाँ वो पर्सन आपको देगा।
एक अच्छी खुशहाल जिंदगी देगा, एक अच्छी खुशहाल फैमिली देगा, तो उसके बारे में तो आप चिंता मत ही करिए, ये सारी चीजें आपको उस पर्सन के साथ मिलेगी। ओ माई गॉड, अगेन अनदर ब्यूटिफुल कार्ड विच टॉक्स अबाउट अ वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बोला, वो पर्सन आपको जिंदगी की सारी खुशियां देगा, पूरी दुनिया आपके कदमों में ला के रख देगा। आपका प्यार, मतलब आपका जो रिलेशन है, हर साइड से प्रोटेक्टेड है एंड गाइडेड है, ठीक है। उसके बाद आया है द डेविल, और अभी मैं और दो कार्ड निकालती हूँ। विच इज एट ऑफ वॉन्ट्स एंड नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा मैंने आपको बोला, इस पर्सन के साथ जब आप खुश होगे, आपको लगेगा आप सातवें आसमान पे हो, खुशी आपके कदम चुन रही है, आपके जैसा इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, खुशकिस्मत। बट जैसे मैंने कहा, आपकी मतलब सारे कार्ड्स जो भी मैंने अभी तीन लाइंस हमने चेक करी, तीन डेक्स चेक करे, तीन लाइंस मैंने आपके सामने रखी है टैरोट कार्ड रीडिंग की। जब भी आपको सिचुएशन मतलब जैसे आप बीमार हो और आपको उनकी ज़रूरत है, वो आपके पास नहीं होगी, ऑब्वियसली मतलब दे विल गिव यू अनदर सपोर्ट, वो आपको अलग अलग तरीके से सपोर्ट करेंगे, बट डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल प्रेजेंस फॉर देम फ्रॉम देम। और एक बात आती है कि मतलब हमेशा ही ऐसे क्यों हो सकता है भाई कि वो हमारे पास नहीं, तो देर आर अ चांसेस उसका उनका काम ऐसे हो कि उनको बार बार ट्रैवल करना पड़ता हो, वो मतलब ट्रैवल करने की वजह से वो आपके पास ना हो, ऐसी सारी चीज़ें। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं, बट दिस इज लाइक 65-35 और 70-30 आप इस रीडिंग को ले सकते हो, 60-70% रीडिंग के हिसाब से, दैट इज द पॉजिटिव कि ये इंसान आपके लिए अच्छे हैं, एंड 30-40% के हिसाब से मतलब आपको कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, इट इज डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो उस हिसाब से प्लीज डिसीजन लीजिएगा। ओवरऑल रीडिंग इज अ पॉजिटिव एंड गुड, मैं न्यूट्रल नहीं कहूँगी, पॉजिटिव की तरफ इस रीडिंग का झुकाव है, तो प्लीज़ आपका डिसीजन केयरफुली लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये पर्सन आपके लिए बना है या नहीं बना है, इज ही और शी इज़ द वन, ठीक है। मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग पसंद आई है, तो इस रीडिंग की वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइज़।